हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप और आपकी दिवाली कैसी रही? तो मेरी तो दिवाली बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ेदार रही और मैंने बहुत सारे DIY किए जो कि मैंने दिवाली की शाम को इंस्टेंटली बनाए। वही सब लेकर मैं आपके सामने आई हूँ और वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दिवाली तो चली गई लेकिन मैंने दिवाली वाले दिन आपके साथ शेयर करने के लिए क्या प्रिपेयर किया है इंस्टेंटली एट ए टाइम पर, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको ट्राई कर सकें। और उससे अगली वीडियो होगी हमारे किसी नई टॉपिक पर, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला DIY जो मैंने बनाया वो बनाया मैंने एक हैंडमेड शीट के साथ। मेरे पास हैंडमेड शीट रखी हुई थी, बस उसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में कट किया। उसके बाद मैंने लेस को स्टेपलर की हेल्प से स्टिक कर दिया। उसके बाद मैंने ग्लिटर शीट पर लोटस का शेप बनाया और उसको कट कर दिया। और कट करने के बाद मैंने इसको इस हैंडमेड शीट पर पेस्ट कर दिया। एक ही जैसे दो लोटस मैंने कट करके इसको शीट पर पेस्ट कर दिया फेवी बॉन्ड की हेल्प से। उसके बाद मैंने पेंसिल से पहले शुभ दीपावली इस पे लिखा। उसके बाद मैंने पेंसिल से लिखा हुआ शुभ दीपावली ग्लिटर ट्यूब से डेकोरेट कर दिया। देन सिल्वर ग्लिटर ट्यूब से लोटस के ऊपर आउटलाइनिंग कर दी। और ये बन गया मेरा एकदम इंस्टेंट घर में ही तैयार किया हुआ शुभ दीपावली बंधनवार। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने प्रिपेयर की कुछ मटकियाँ, ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी और इन पर एक एक कोट हो रखा था। और उसके बाद मैंने फेविक्रिल की हेल्प से बस इनको थोड़ा सा और डेकोरेट किया और नया बनाया डेकोरेट करके, और फिर मैंने इनको दिवाली पर दियों की तरह टी लाइट होल्डर की तरह यूज़ किया। मैंने इनको बहुत ही सिंपल डिज़ाइन से डेकोरेट किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताना।
इस तरह से मेरी कुछ मटकियाँ और उनके ऊपर रखने के लिए कुछ दिए मैंने डेकोरेट करे और आप देख सकते हैं कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं। दिवाली की सफाई में कुछ टॉयज़ मुझे मिल गए थे जिनका अब बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं था। मेरी बेटी इनके साथ खेलती नहीं थी तो इन्हें यूज़ करने का सबसे अच्छा आइडिया था इनका मैं टी लाइट होल्डर बना लूं। सबसे पहले मैंने इनके ऊपर फेविकोल की हेल्प से पूरा पेंट कर दिया, जिसको कि करने में मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की। पूरी तरह से फेविकोल लग जाने के बाद मैंने इन पर सिंपली ग्लिटर को स्प्रेड कर दिया। वैसे तो इसके पूरे के ऊपर ग्लिटर मुझे लगाना था, लेकिन बेटी को पता नहीं था तो उसने ये इतना पोर्शन बीच का इसका छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसको फेविक्रिल की हेल्प से ऊपर से कलर कर दिया। और उसके बाद कुछ मिरर्स मैंने इस पर पेस्ट कर दिए। और ये बन गया मेरा इंस्टेंट स्पार्कली टी लाइट होल्डर। सेम प्रोसेस से मैंने एक और बनाया इस तरह का, क्योंकि ये फ्लावर दो रखे थे मेरे पास। सेकंड पर मैंने सिल्वर ग्लिटर लगाया और इस पर मैंने मिरर के साथ कुछ स्टोन्स पेस्ट किए। एक ये टॉय मुझे एलिफेंट मिल गया जो कि काफ़ी लाइट वेट में है। सिंपली मैंने इस पर फेविक्रिल कलर ब्लू कर दिया
तो उसके बाद मैंने इस पर टूथपिक की हेल्प से वाइट और रेड फेविक्रिल कलर से डॉट्स का डिज़ाइन बनाया। तो इस तरह से मेरा ये प्यारा सा एलिफेंट सज के तैयार हो गया। और इस पर मैंने लगाया एक लाइट वेट कैंडल होल्डर। तो लीजिए, मेरा टी लाइट होल्डर बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है एक वाटर बॉटल को टी लाइट होल्डर बनाने के लिए। ये बहुत ही इजी है और बहुत मज़ेदार है। इसे आप देखो कि मैंने कैसे जुगाड़ से इसको बनाया है। सिंपली मैंने इस पर यूज़ किया एक एडहेसिव सिल्वर कलर का पेपर और इस पर इसके साइज़ का कट करके पेस्ट कर दिया।
देन मैंने यूज़ किए इस पर कुछ स्टिक करने वाले बीड्स, बस सिंपली मैंने इन पर ऐसे पेस्ट कर दिया जहाँ जहाँ से भी ये इसका पोर्शन दिखाई दे रहा था। एक लेयर मैंने ऊपर पेस्ट की और एक लेयर नीचे पेस्ट कर दी और ये इतना ही बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने इस पर पेस्ट की ये सिल्वर कलर की लेस जो कि मेरे पास रखी हुई थी। अब इसके ऊपर का पोर्शन बच गया था जो कि दिखाई दे रहा था, तो यहाँ इंस्टेंटली क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास रखा हुआ था ब्लू कलर का ग्लिटर, तो मैंने सिंपली फेविकोल की हेल्प से ग्लिटर को वहाँ पर स्प्रेड कर दिया और ये बहुत ही सुंदर इसका कॉम्बिनेशन निकल कर आया, सिल्वर और ब्लू कलर के ग्लिटर का, और ये बन गया मेरा एक बहुत ही सुंदर टी लाइट होल्डर। अब इसको फिल करने के लिए मेरे पास रखी हुई थी कुछ सैंड और मैंने सिंपली इस सैंड को इसमें भर दिया एकदम ऊपर तक, और फिर उसको भरने के बाद जब ये ऊपर तक फिल हो गई तो मैंने रख दी इसमें एक कैंडल। तो अब आप देख सकते हैं कि दिवाली के दिन इंस्टेंटली मैंने इनको प्रिपेयर करके, इनको डेकोरेट करके किस तरह से अपने घर को डेकोरेट किया और इंस्टेंटली ये सारे DIY मैंने प्रिपेयर किए। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आए या कुछ भी अच्छा लगे या आपको लगे कि भाई मैंने बहुत कुछ डिफरेंट किया है, कुछ अलग किया है, तो मैं प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। थैंक यू, बाय बाय।